ऐसी राइड होनी चाहिए मेरे हिसाब से, आगे भी तो चाहे आर के साथ हो चाहे एफएफआर के अलग से हो, जो भी हो, मतलब ऐसी राइड होनी चाहिए आगे। मजा आ रहा, अच्छा लगता, मजा लगता, बहुत बढ़िया मजा आ गया। तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एच के क्रिएटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज भाई हो गए हैं लेट आज, क्योंकि आँखें नहीं खुली, संडे राइड है, रॉयल इनफील्ड के साथ कोलैब है अपना एफएफआर ग्रुप का, तो एक सोशल कॉज के लिए ये राइड प्लान की गई है, प्लास्टिक पॉलीथीन वगैरह के लिए, तो उसी के लिए जा रहे हैं। बस यहीं पास में ही है और फिर थ्रॉटल शॉटल जाएंगे दोबारा आज। तो आज फुल लेट हो गया भाई, फुल लेट। और पाजी का फ़ोन आया कि पाजी कहाँ रह गए आज, मैंने कहा पाजी आज बस आँख ही नहीं खुली। सौरभ भाई अपने वो भी रह गए आज, उनकी भी आँख लेट खुली है। तो हेयर वी आर गाइस, ऑल रॉयल इनफील्ड ग्रुप। और भाई ये अपने सौरभ भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ना, एक नंबर, गजब। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आहा, क्या हाल है हिमांशु? तो भाई सौरभ भाई कितने बजे उठे आप? भाई मैं चक्कर क्या, फोन ना डीएनडी लगा के सो गया था रात को, जो मेरी आँख तो बाबा खुली चाह रही, लेकिन अलार्म बजेगा, अभी बजेगा, अभी बजेगा, 5 बज गए, कल अलार्म नहीं होगा। मैं गया हूँ पारी से यहाँ से 1 बजे, यहाँ खड़े थे हम, रात को ही करते थे सफाई यार, हमें नहीं आना पड़ता भाई, मैंने तो अपना ग्लास यहीं कहीं पड़ा होगा, देखो। गलत बात हो रहा, देखो वो पड़ा। क्या हाल है विवंश भाई? बढ़िया, कैसे हो? बढ़िया। तो भाई सारी बाइक लाइन अप में, सब चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है। ये अपना भाई सैनिटाइजर, सैनिटाइजर भी बांट रहे हो क्या? पानी बांटेंगे, सैनिटाइजर नहीं बांट रहा, मना कर रहा है, कह रहा ग्लव्स व्लव्स बांट दिए। भाई मेरे को भी दे दो यार तेरा, ये सर आपको जो लेट आए उन्हें नहीं मिल रहा है एक्चुअली। ये पाजी रात को 1 बजे तक हम यहीं खड़े हुए थे, बात कर रहे थे रात को, इसीलिए इन्होंने लेट कराया, ये पूरी रात सोए नहीं। मैंने अपना ग्लास भी यहीं छोड़ा था, यहीं पड़ा होगा कहीं पे। कहाँ गए अभिवंश भाई? मेरा रह गया यार ग्लव्स, और क्या दोगे? नींद तो खुली नहीं थी इनकी, एक भी नहीं खुली, साथ में निकले जम के रात में सोते। तो ये अपने सभी भाई यहाँ पर कॉज के लिए रेडी। तो भाई जी ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, सबने ग्लव्स डाल लिए, और ये भाई शुक्र है 6:30 की अच्छे आज कॉज के लिए, जैसा कि हम इकट्ठे हुए हैं तो थैली का साइज देख लो भाई, वी हैव द बैग्स, वी हैव द ग्लव्स। We'll be right back.
यहाँ पे सभी राइडर भाई अपने कॉज के लिए मेहनत करते हुए। और ये अपना FFR ग्रुप, तो ये सब हमारे भाई कॉज के लिए राइड करते हुए। ग्लव्स इसीलिए है। अरे क्या रुकोगे भाई, हाँ डालो भाई, क्या बात रुकोगे, निपटाओ फटाफट काम। ओके, आज जो हम ये राइड कर रहे हैं ये FFR प्लस RE की एक राइड है कोलैबोरेटली, तो उसके अंदर हम ये एक कॉज राइड कर रहे हैं, क्लीन इंडिया क्लीन दिल्ली क्लीन सिटी। तो यहाँ पे RE के भी हैं 8-10 बंदे, लांबा मोटर्स जो है अपना तिलक नगर में वहाँ से आए हुए हैं, और बाकी हमारे FFR ग्रुप के हैं, आप टी शर्ट देख सकते हैं, सब साथ में चल रहे हैं। ओ जी कैसा लगा एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। एक नंबर। हमारा भी कुछ ऐसा ही विचार है कि ऐसी राइडिंग होनी चाहिए, मतलब फॉर अ कॉज, फॉर अ कॉज, साफ सफाई, क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी। कॉज में मज़ा आ गया और कूड़ा फेंक दिया, तो एक बस यहाँ पर पिक ले लेते हैं फोटो सेशन। ये पीछे गाना रॉयल एनफील्ड का था। यस यस। सौरभ भाई वेलकम कर रहे हैं हमारा, सौरभ नहीं साहिल, हाँ साहिल भाई आपका स्वागत। राशि तो एक ही है भाई, मैं अंधेरे में चश्मा नहीं उतार सकता क्योंकि ये पावर वाला है। सौरभ वो कहाँ है हमारे? कौन? मिलन। कौन? मिलन वो रहे, वो आत्मा हो रहे, जिस्म और आत्मा का मिलन, उसका नाम ही पड़ गया वो मिलन। मिलन
निकले तो मैंने इनको बता दिया, मैंने कहा आप ना चलना, मैं ग्लव्स लेके आ रहा हूँ, मैं आपको चेज कर, ठीक है जी। अब मैं वहाँ पर ये आ रहे हैं 100 की स्पीड में और मिले कहाँ हमको, यहाँ पे घाटा रोड, ठीक है जी। नहीं भाई, पापा ने भी रोक लिया था मेरे को, ठीक है। फिर मैं लेट हो गया, मैंने कहा चल कोई नहीं, मैं पकड़ तो लूंगा। फिर भी 20 की स्पीड में पहाड़ों में चल रहे हैं, थ्रॉटल छोड़ भाई। हम यार रोड कितना मस्त था, कन्याकुमारी वाला टूर करता हूँ, एट दैट पॉइंट मैं अपने साथ पूरा टेंट वेंट लेके चलता हूँ। दिन भर गाड़ी चलाओ, रात में किसी सिटी के या गाँव के आस पास वहाँ किसी से मिलो बड़े जो है, और उनसे बोलो कि आप अपने खेत में मेरे को थोड़ी सी जगह दे दो बस टेंट लगाने के लिए। मैं भाई वो नहीं करता कभी, शुगर इन डाली मिला भी देते ही हैं भाई, जब इतना कर रहे हैं तो मिला भी देते हैं। मिला जैसे डोमिनार जब टायर के पास से देखो बहुत स्पेशियस दिखती है, पर जैसे नीचे साइलेंसर आ जाता है ना गोरखा के साथ, वही प्रॉब्लम है। इवन कितनी स्पोर्ट्स बाइक है तू टायर के पैसे देखेगा, सिर्फ टायर पैसे तो सब बड़ी है, ठीक है, पर जब मेन इंजन के नीचे की स्पेस आती है ना, नहीं है। सनी देओल ने आपसे ली थी क्या? नहीं, इन्होंने सनी देओल को दी थी। आधा घंटा हो गया है, अपनी कब चोरी कर रहा है, तुम बोलते रहो। लेकिन ना भाई का ज्ञान ही खत्म नहीं हो रहा भाई। अरे तो हमने हम ले रहे ना, तुम मत लो यार, तुम जाओ घूम के। रमेश बाबू मेरा जस्म की बात है, जस्म इससे पूछ लो भाई एक बार, फिर से हर वीडियो में जरूरी है अपना। क्या हाँ भाई, जस्म का मतलब क्या होता है? अमेजिंग बात ये है कि जिस तरीके से आपको एक दूसरे को टेल करते हुए राइड में जाना है, वैसी फोर्ट में घुसते हुए भी एक दूसरे को टेल करना, वरना कौन से किस दरवाजे के पीछे हो गया ना। हाँ। रात तो लग जाएगी एक दूसरे को ढूंढते हुए, तुम कहाँ मैं यहाँ, सब घूम जाते हैं फोर्ट है। It's like that. Although they have marks, but they have marked in such a manner कि पहले आपको वो आदमी उर्दू है तो वो समझने में जो है ना वो first person thinks क्या, या मैं इसे Google करके समझ लूँ। या हमारी last video देख लेना, या last video देख लेना, उससे clarity मिल जाएगी क्या हो रहा है। मतलब हमने पूरा घूमा ही नहीं, हमने खुद ने ही नहीं घूमा। डेथ वैली ये गया था, कहाँ गया ये बंदा, गया था डेथ वैली जहाँ पे वो ये पंजों की फोटो में डाल रहा था ना भाई, कुत्ते के पंजे। ब्रीड बोलने का मतलब ही हो जाता है रेसिस्ट होना। यार अब ब्रीड तो होगी ना, अब तुम ये थोड़ी ना कहोगे चलो कॉर्बेट चल रहे हैं, कुत्ता दिखा के बोलो ये शेर है। आई यू एफ एन डॉग, शेर शेर है और तेरी ब्रीड है, और एक क्या कह रहे हो शेर कुत्ते से डॉग के, तेरी ब्रीड हम डिसाइड करें कि ये लैब्राडोर है, ये जर्मन शेपर्ड है। लोग भाई निकल रहे हैं भाई, सर बाय बाय, सी यू सून।
कौन कौन जा रहा है? चलो हाँ चलेंगे। हाँ क्या कह रहे हो? चलो चलो मिलते हैं। One hour later. तो भाई जी निकलने का टाइम, बहुत मज़ा आया यहाँ पे। आरी के साथ कोलैब हुआ, लोगों से मिला। लास्ट वाली वीडियो के अंदर प्रॉब्लम ज़रूर हुई थी कि भाई ये माइक की प्रॉब्लम हुई, देखा अभी मैंने कितना बाहर निकाला हुआ, शायद ये केस की प्रॉब्लम है, वॉइस आई नहीं रही है इसके अंदर। आ रही है बट एक्चुअली क्या हो रहा है, जब इसको इधर इधर की साइड आगे कर रहा हूँ ना, इसको अंदर कर रहा हूँ तो यहाँ से ये प्लग हिल रहा है, जिस वजह से वॉइस नहीं आ रही। अभी समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। अभी मैं चांदनी चौक जाऊंगा, नहीं तो भाई लोग से पूछूंगा कि क्या करते क्या नहीं करते। सो आज देखते हैं वॉइस आई है नहीं आई है, क्या है क्या नहीं। बाकी सैम भाई, सौरभ भाई, सहेल भाई निकल रहे हैं, तो अब बस यहाँ से घर ही निकलेंगे सीधा। तो चले भाजी, चलो चलो, टाटा बाय बाय, सब रेडी हो रहे हैं जी। गुड नाइट, खाना खा के जाना, खाना खा लिया है, अच्छे से रहना, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए, और नहीं किया तो 100 दिन गाड़ी नहीं चला पाओगे।